Hello students, today I teach you past perfect. In my last video I taught you present perfect. Now here is past perfect. This is the first structure. Present indefinite mein kya tha? Chuka hai, right? Yahan par kya ho gaya? Chuka tha ya phir aa tha, right? फॉर्मेशन क्या आया? सब्जेक्ट हैड मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैड वहां पर क्या था? चुका है में आए में सब्जेक्ट एज ए मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर क्या हो गया? हैज का पास्ट टेंस क्या हो गया? यहां पर हैड. सब्जेक्ट हैड मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने आपसे कहा कि वह यहां आया था, राइट? वह यहां आया था तो क्या हो जाएगा इसका? ही हैड, राइट, कम और इसके बाद हियर, राइट? तो हमें यह ध्यान रखना है कि हैज और हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है, हैज और हैड जब पोजीशन में आता है तो उसके बाद नाउन भी आता है. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, मतलब हैज हैव और हैड के बाद इधर मैन वर्ब थर्ड फॉर्म और अ नाउन, राइट? अच्छा एक पॉइंट और है यहां पर, फिर समझने का कोशिश करें कि इसका जो यूज है जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो इसका जो यूज होता है वो 1% होता है, इसका जो यूज होता है वो 99% होता है. अगेन मैंने आपसे कहा कि वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट. वह बाजार गया, ही हैज गॉन टू द मार्केट. और वह बाजार गया था तो ही हैड गॉन टू द मार्केट, राइट? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट, मदद की, राइट? मैंने उसकी मदद की है I have helped him, और मैंने उसकी मदद की थी, राइट? आई हैड हेल्प्ड हिम, राइट? वही वाली बात कि वह बाजार गया, पास्ट इंडेफिनिट, वह बाजार गया है मतलब अभी भी वो बाजार में है, राइट? और वह बाजार गया था, शायद वो जाके भी लौट आया. ओके तो ये कौन सा हुआ आपका? सब्जेक्ट एट मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि हमने उसे शादी में आमंत्रित किया था तो क्या हो जाएगा? We have invited him in the marriage, right? Now next structure is present perfect. में हमने पढ़ा था, याद कीजिए आप, लगा है तो यहां क्या हो जाएगा आपका? लगा था, right? Formation, subject, had. इसके बाद आपका बिगन टू, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल, सब्जेक्ट हैड, स्टार्टेड, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन देखिए पास्ट इंडेफिनिट में लगता था या लगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लगा है और पास्ट परफेक्ट में लगा था. मैंने बोला वह क्रिकेट खेलने लगा, ही बिगन टू प्ले क्रिकेट, पास्ट इंडेफिनिट, वह क्रिकेट खेलने लगा है, ही हैज बिगन टू प्ले क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेलने लगा था, ही हैड बिगन टू प्ले क्रिकेट या ही हैड स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. क्लियर है सीक्वेंस की इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने उसे पीटा तो आई बैट हिम, मैंने उसे पीटा है, आई हैव बीटन हिम, मैंने उसे पीटा था, आई हैड बीटन हिम, राइट? अगेन बिन वाक्यों का अनुवाद करने लगे थे तो क्या हो जाएगा? दे हैड बिगन टू ट्रांसलेट, ठीक है ना, दीज सेंटेंसेस, या दे हैड स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग दीज सेंटेंसेस. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है, राइट?
जैसे अगला कि टीचर हमें कक्षा में पढ़ाने लगे थे तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैड बिगन टू टीच अस इन द क्लास, राइट, या द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग अस इन द क्लास, राइट वन, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर लगा है, में क्या है लगा है प्रेजेंट परफेक्ट में, यहां पर हैज ऑब्लिक हैव, राइट, ये हो गया इसका पास्ट टेंस, इजी गोइंग, एज ए बिगन टू, और ये क्या हो गया पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में हैड बिगन टू, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आता है आपका चाहिए था, सब्जेक्ट ought to have manner of third form plus object. Let me clear. Ought एक मॉडल है, जब हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पर ought, must और should इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, फिलहाल में चाहिए था past perfect, right? Moral obligation, right? जैसे मैंने कहा हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए थे, मोरल ऑब्लिगेशन, वी ऑट नॉट टू हैव कट डाउन द ट्रीज, राइट, एनी प्रॉब्लम? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, वी ऑट टू हैव हेल्प द पुअर, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए था, वी ऑट टू हैव ऑबेड द ट्रैफिक रूल्स, क्लियर? तो ये पॉइंट है आपका क्या चाहिए था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है ऑट टू हैव, यदि इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो हम इसका नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बी ऑट नॉट टू हैव, मींस ऑट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं, सेकेंड यदि हम चाहें तो हम लिख सकते थे यहां पर ought to have or not, both are correct, either हम यहां पर ought के बाद not का यूज कर ले या फिर ought to have के बाद not का यूज कर ले, both are correct, no problem at all. Now next structure जो आपका past perfect में है वो है आपका पाया था या सका था, राइट, देखिए अब आप अगेन सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, पाया है या सका है, तो वहां पर परमिशन क्या था, सब्जेक्ट एज अ बीन एबल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नाउ पाया था तो सब्जेक्ट वहां पर एज अ बीन का यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन एबल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है? इसका भी नेगेटिव यदि आप चाहें तो यहां पर नॉट लगाकर भी बना सकते हैं, या फिर नॉट यदि आपको यहां नहीं लगाना तो फिर आप एबल का क्या कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो पॉइंट है यहां पर सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन एक बार फिर वह अंग्रेजी नहीं बोल पाया, ही वॉज अनेबल टू, पास्ट इंटरप्रेट, ही वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाया है, ही हैज बीन अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाया था या नहीं बोल सका था, राइट, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं उसकी बुरे समय में मदद नहीं कर पाया था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन अनेबल टू हेल्प हिम इन द रेनी डेज, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? मैं समस्याओं को हल नहीं कर पाया था तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन अनेबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, अगेन अब आप देखिए यहां पर कितने पॉइंट आए, सबसे पहले अब आप सका को ही देखिए, नंबर फर्स्ट प्रेजेंट में सकता है, सब्जेक्ट प्लस कैन मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सकता था, सब्जेक्ट कुड हैव मेंबर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं वहां जा सकता था, कुल मिला के पहुंचा नहीं, आई कुड हैव गॉन देयर,
इसके बाद सकेगा सब्जेक्ट विल सेल बी अवेल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट। इसके बाद आपका आया कौन सा शका सब्जेक्ट कुड मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला पॉइंट आया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में शका है सब्जेक्ट हैज बीन अवेल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ शका था तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन एबल टू मेंबर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आप देखिएगा कि सकता है अलग शका अलग सकता था अलग सका है अलग सकेगा अलग और सकता था अलग सबके फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स आप लोग कंपटीशन के हिसाब से इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कौन से पॉइंट को कहां पर और किस तरीके से यूज करना है राइट। अब मैं अगला स्ट्रक्चर देखता हूं यहां पर अगला स्ट्रक्चर है ही ना था ही ना था या ही था राइट। इसका फॉर्मेशन है सब्जेक्ट हैड हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली ऑब्लिक बेयरली मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस राइट। फॉर्मेशन क्या आया ही ना था या ही था ये ऑलरेडी ये ध्यान रखना हार्डली स्केर्सली बेयरली जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स है इनमें हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। तो पॉइंट आया सब्जेक्ट हैड हार्डली स्केर्सली बेयरली मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखना हैड हार्डली स्केर्सली बेयरली के बाद हमेशा When का यूज किया जाता है का यूज किया जाता है काफी कंपटीशन में इसके काफी एरर्स आते हैं हमेशा when का यूज किया जाता है और उस when के बाद हमेशा past indefinite tense का ही यूज किया जाता है राइट। एनी प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि मैं वहां पहुंचा ही ना था कि वह चिल्लाने लगा मैं वहां पहुंचा ही ना था कि वह चिल्लाने लगा राइट। अब देखिए मैं वहां पहुंचा ही ना था तो क्या हुआ आपका आई हैड हार्डली रीच्ड देयर व्हेन। ध्यान रखिएगा हार्डली स्केर्सली बेयरली के बाद केवल एक ही कनेक्टिव का यूज होगा और वो होगी व्हेन व्हेन ही। अब लगा लगा कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट व्हेन ही लगा सब्जेक्ट बिगेन ऑब्लिक बिगेन टू मैन बाय फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट सब्जेक्ट बिगेन टू राइट व्हेन ही बिगेन टू साल्ट राइट। मैंने उसकी मदद की ही ना थी कि उसने मुझे धोखा दिया आई हैड हार्डली हेल्प्ड हिम व्हेन ही डिसीव्ड मी। मैंने कक्षा छोड़ी ना थी कि बच्चे उधम मचाने लगे आई हार्डली लेफ्ट द क्लास व्हेन द स्टूडेंट बिगन टू मेक अ नॉइस या स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइस क्योंकि हमें मालूम है कि बिगन टू का ऑप्शन जो है वो आपका क्या है स्टार्टेड है राइट। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको मैं मेंशन करता हूं। तो पहला कंपटीशन के हिसाब से कि हार्डली स्केर्सली बेयरली ये ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं इसमें आप कभी भी नॉट का यूज ना करें। यदि आपने इसमें नॉट का यूज किया तो ये एरर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कंपटीशन के हिसाब से कि हार्डली स्केर्सली बेयरली के बाद हमेशा ऑलवेज आप कौन सी कंजंक्शन का यूज करेंगे केवल व्हेन और उसके बाद जो टेंस आएगा वो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब यहां पर एक चीज और है मैं जिसका मेंशन करूंगा कि एक पॉइंट तो ये हुआ कभी कभी क्या होता है
क्या आपने देखा होगा कि हार्डली स्केयरसली सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि हार्डली, ठीक है ना, हैड आई रीच्ड देयर, मैं वहां, वो एक पॉइंट था, मैं वहां पहुंचा ही ना था। अब इसका सेंस अलग निकलेगा, हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, ठीक है ना, व्हेन दे बिगन टू प्ले क्रिकेट। अब आप देखिएगा यहां पर जो हार्डली है ये शुरू में, या हार्डली की जगह पर आपका क्या जाए इसके असली, तो इसका जो सेंस होता है वो होता है आपका नो सूनर, क्या होता है नो सूनर होता है, यहां पर इसका जो सेंस होता है वो हो जाता है आपका क्या नो सूनर, हार्डली इक्वल टू यहां पर क्या हो जाता है जैसे ही। और ध्यान रखना हार्डली जब सेंटेंस के शुरू में आएगा या स्केयर्सली तो सेंटेंस जो होगा वो इन्वर्सन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इन्वर्सन, मतलब इंटरगेटिव, हार्डली हैड आई रीच दिया, जैसे ही मैं वहां पहुंचा। लेकिन ध्यान रखिए कनेक्टिव केवल और केवल आप कौन सी यूज करेंगे, व्हेन दे बिगन टू प्ले क्रिकेट, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ठीक है ना, वे क्रिकेट खेलने लगे, वैसे ही वह क्रिकेट खेलने लगे, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि हार्डली स्केयर्सली और आपका यदि सेंटेंस में बिल्कुल बिगिनिंग में आता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका इन्वर्सन हो जाएगा, और हार्डली का जहां पर यहां पर जो सेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका नो सूनर, राइट, या एस सूनर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर। अब ऐसा नहीं है कि हार्डली का जो यूज है वो केवल और केवल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता हो, एक पॉइंट है, जैसे अगर के हम देखें तो हार्ड है, तो हार्ड क्या है, हार्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव भी है और आपका क्या है एडवर्ब भी है, राइट। अब आप देखिएगा जैसे मैंने कहा कि इट इज टू हार्ड, राइट, अब टू तो एडवर्ब है तो हार्ड क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, राइट, ओके, एनी प्रॉब्लम, मैंने कहा इट इज वेरी हार्ड, राइट। अब आप देखिएगा कि एडवर्ब ही वर्क्स और आपका क्या हार्ड, राइट, तो हार्ड जो है वो दोनों चीजें हैं, एडजेक्टिव भी है और आपका क्या है एडवर्ब भी है, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है अगला कि जो आपका हार्डली है ये हुआ हार्ड, हार्ड क्या है आपका एडजेक्टिव भी है और क्या है आपका एडवर्ब भी है, राइट। अब अगर कि मैं हार्डली की बात करूं, हार्डली तो ये क्या है केवल और केवल एडवर्ब है, क्या चीज है केवल और केवल एडवर्ब है, राइट, और कैसी एडवर्ब है नेगेटिव, नेगेटिव सेंस देती है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पास्ट परफेक्ट में यूज होती है, ये प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो जाती है, जैसे मैंने कहा माय मदर इज हार्डली 50, यहां पर इसका जो सेंस होता है इस हार्डली का, इसका मतलब क्या है मुश्किल से, क्या होता है मुश्किल से, मेरी मदर मुश्किल से 50 साल की होंगी, ओके क्लियर, बराबर, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने कहा आई हार्डली गो देयर, राइट, मैं बड़ी मुश्किल से वहां जा पाता हूं, राइट, ओके क्लियर है। हार्डली का और भी मीनिंग्स होते हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट नॉट भी होता है, ऑलमोस्ट नॉट ये भी एडवर्ब है, इसका एक और मीनिंग होता है वो होता है अनलाइकली, क्या होता है अनलाइकली, एक मीनिंग और होता है इसका, ऑलमोस्ट हो गया, राइट, ऑलमोस्ट नॉट हो गया, अनलाइकली हो गया, और एक और होता है सीवियरली,
राइट। तो इसके ये मीनिंग्स भी होते हैं काय के, हार्डली के, ऑलमोस्ट नॉट, अनलाइकली और सिवियरली, राइट। तीनों के तीनों एडवर्ब है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब हम लास्ट देखते हैं इसका एक और स्ट्रक्चर, एक है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और इनके बीच में एक कंजंक्शन बिफोर, राइट। इसमें दो एक्शन होंगे, क्या होंगे, दो एक्शन होंगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि डॉक्टर के आने के पहले पहले मरीज मर चुका था, मर चुका था। इसमें दो एक्शन है, एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा है आपका मरीज का मरना। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसको हम काय में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो मरीज पहले मर चुका था तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट Had, आपका क्या डाइट या पास्ड अवे बिफोर द डॉक्टर केम, राइट, क्लियर। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी तो क्या हो जाएगा, गाड़ी तो पहले चली गई ना, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, राइट, एनी प्रॉब्लम। तो यदि बिफोर आता है, अच्छा इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि बिफोर जो है वो यहां पर एडवर्बियल कंजंक्शन है, राइट, बिफोर प्रीपोजिशन भी है, उसको हम प्रीपोजिशन जब होगा तब अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो इसका दो एक्शन, जो एक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा उसको हम काय में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद जो कंजंक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, बिफोर, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपका पास्ट परफेक्ट, माई नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर परफेक्ट, ओके, जो मैं एक आध दिन में आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।